पॉलिटिकल किलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, पॉलिटिकल किलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, पॉलिटिकल किलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाय हाय ममता बनर्जी, हाय हाय टीएमसी पार्टी, हाय हाय टीएमसी पार्टी, हाय हाय टीएमसी किलिंग बंद करो, बंद करो, ममता बनर्जी, हाय हाय ममता बनर्जी, हाय हाय गुंडी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ममता बनर्जी, हाय हाय ममता बनर्जी, हाय हाय सरकारी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकारी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, हाय ममता बनर्जी, हाय 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 हाय सरकारी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकारी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, 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 प्रोटेस्ट है जिस तरह से वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म वहां पर हुआ है, वहां जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, हमारी माताओं बहनों को घर से घसीट कर बाहर निकाला गया, उनके साथ रेप किया गया, लोगों की प्रॉपर्टी जलाई गई, ऐसा कहीं नहीं होता है डेमोक्रेसी के अंदर। इलेक्शन के अंदर पार्टियाँ इलेक्शन लड़ती हैं, कोई जीतती है, कोई हारती है, लेकिन ये एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, वो हम इसको प्रोटेस्ट करने के लिए आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारी ये डिमांड है फौरी तौर पर जो पॉलिटिकल गिनिंग है वो बंद होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी गुंडागर्दी और तानाशाही तो मेरे ख्याल तालिबान के राज में भी नहीं है जो वहाँ वेस्ट बंगाल के अंदर है। जिस तरह से लोगों की प्रॉपर्टी जलाया जा रहा है उसकी हम भर्सना करते हैं और ये डिमांड करते हैं फौरन तौर बंद होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। हमारी तो ये सेंटर से ये अपील रहेगी कि जो वेस्ट बंगाल के अंदर गुंडागर्दी जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हुई या बिल्डिंग्स पे हुई, जो जलाई गई, जो लेडीज़ के साथ रेप हुआ, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे हिंदुस्तान में ये मिसाल पैदा होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो पूरे मुल्कों में जाए कि हिंदुस्तान के अंदर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यही हमारी आज की डिमांड रहेगी। में जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है धरना प्रदर्शन किया गया है, ये धरना इसलिए है कि आज से हाल ही में जो है 3 दिन पहले वेस्ट बंगाल में जो रिजल्ट्स आए हैं, उस रिजल्ट आने के बाद जो है ममता बनर्जी के दिल में एक भय बैठ चुका है कि 3 सीटों से 77 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। इस डर की वजह से जो है वो हमारे लोगों के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है वो किलिंग कर रहे हैं। हमारे कुछ कार्यकर्ता उसमें मारे जा चुके हैं और 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे जो है वो जख्मी हुए हैं। हम ममता बनर्जी को ये बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस का 70 साल का गंध हमने धोया है, आने वाला वक्त जो है वो वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का है। यही डर सताते हुए जो है ममता बनर्जी के लोग और ममता बनर्जी खुद ऐसी हरकतें कर रहे हैं क्योंकि वो डर पैदा करना चाहते हैं उन लोगों के बीच कि हम इस डर से शायद भारतीय जनता पार्टी को जो है यहाँ से खत्म करेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है, अब हमारे पास राज्यसभा के 109 से पहले मेंबर थे, आज 123 मेंबर हैं, हम जो है पूरी तरह से बहुमत से हैं। लेकिन ममता बनर्जी को हम ये बता देना चाहते हैं, अगर ये गुंडागर्दी बंद नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। धन्यवाद। पार्टी के कार्यालय पुंछ में ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये जो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने ये जो गलत और करहना हरकत की है, इस हरकत का उसको मुंह तोड़ जो है जवाब मिलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है जो जीत जाता है उसको, उसका ये मतलब है कि जितने भी लोग हैं उन सबको साथ लेकर के चलना, ना कि गुंडागर्दी करनी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उनको लानत भेजता हूँ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले और सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे कि ये चैनल। चैनल से संपर्क करने के लिए इस नंबर को डायल करें 9906086260।